हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिजिकल एजुकेशन विद राजेश चैनल पर। फ्रेंड्स, अभी अभी एक अपडेट आई है जो कि राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की तरफ से है। इसमें अध्यापक की और प्राध्यापक, स्कूल शिक्षक, RPSC के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है। इसमें वैकेंसी अलग अलग तरीके की हैं। इनमें पदों में ऑनलाइन होंगे जो पद भरे जाएंगे, पदों में कमी भी हो सकती है, वृद्धि भी की जा सकती है, ये डिपेंड करता है डिपार्टमेंट के ऊपर। लेकिन इसमें जो वैकेंसी आई हुई हैं वो है बायोलॉजी की, ये आप चेक कर सकते हो। जनरल के लिए, WS के लिए, SC ST OBC और MBC, ये हॉरिजेंटल में आपको रिजर्वेशन वगैरह दे रखा है। तो बायोलॉजी की, कॉमर्स, म्यूजिक, ड्राइंग टीचर, एग्रीकल्चर की है, ज्योग्राफी की है, हिस्ट्री की है, और उसके बाद पॉलिटिकल साइंस की है, इंग्लिश है, संस्कृत है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, सोशोलॉजी है, पंजाबी, उर्दू, कोच है, रेसलिंग कोच के लिए चाहिए इसमें, खो खो कोच के लिए वैकेंसी है, कोच हॉकी के लिए है, कोच जिमनास्टिक के लिए है, कोच फुटबॉल के लिए है, और इसमें फिजिकल एजुकेशन की भी है। जनरल की अलग अलग टाइप की वैकेंसी हैं, और इसमें आपको ये नोट दिया गया है, ये आप पढ़ लें। जनरल, SC ST शेड्यूल कास्ट, OBC अदर बैकवर्ड क्लास, और ये WS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ब्लाइंड के लिए भी, ये सभी के लिए अलग अलग तरीके से दिए गए हैं। इसमें भूतपूर्व सैनिक के लिए दर्शाए गए पदों का आरक्षण भी दिया गया है। अभ्यर्थी जिस वर्ग का होगा उसे उसी के अंतर्गत समायोजित किया जाएगा। इसके बाद में इसकी शैक्षिक योग्यताएँ दी गई हैं, 6 से 12 तक के लिए क्या क्या हैं, जो क्रम हैं वो संख्या 1 के लिए, संख्या 2 के लिए, संख्या 3 के लिए अलग अलग हैं। किसी में क्वालिफिकेशन जैसे UGC इन म्यूजिक और क्वालिफिकेशन डिक्लेयर्ड इक्विवेलेंट बाय द गवर्नमेंट होना चाहिए। पाठ्यक्रम संख्या 26 के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए, एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाई UGC होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट इन फिजिकल एजुकेशन होना चाहिए, MPED होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड बाई नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन होना चाहिए। तो ये वेतन का रैंकिंग है, पे मैट्रिक्स लेवल 12 है, जो ग्रेड 4800 पे लगेगा। राज्य सरकार के नियमानुसार नियमित वार्षिक पे मिलेगी। आयु सीमा है इसमें 1/1/2023 को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। तो राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लिए है। तो ये सारी सामान्य वर्ग के लिए है। वोमेन कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू जनरल कैटेगरी के लिए है। विधवाएँ एवं विभिन्न परित्यक्ता महिलाओं के लिए है। उपयुक्त उच्चतम आयु सीमा उस भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी। अगर किसी के ऊपर कोई केस वगैरह है तो ये उसको आपको फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, उसे चेक करना पड़ेगा। एनी पोस्ट बिफोर हिज और कन्विक्शन एंड विच वॉज एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट अंडर दिस रूल्स, तो अपॉइंटमेंट से पहले आपको ये सब रूल रेगुलेशन का पालन करना पड़ेगा। उसके बाद में 7 नंबर पे कैटेगरी है, अलग अलग टाइप की पंचायत समितियों, जिला समितियों में है। राजस्थान सिविल सेवा भूतपूर्व सैनिकों का है। उसके बाद में विभिन्न वर्गों, अन्य विशेष श्रेणियों में हेतु आयु सीमा में छूट भी दी गई है। और इसके बाद में चयन की प्रक्रिया बताई गई है कि चयन प्रक्रिया, परीक्षा आयोजन का पाठ्यक्रम क्या क्या होगा, ये इसकी ऑनलाइन वेबसाइट है, आप चेक कर सकते हैं। HTTP 5/5/2022 से दिनांक 4/6/2022 रात्रि 12 बजे तक होगा। तो ये एक छोटी सी अपडेट थी जो मैं आप सबको शेयर करना चाह रहा था। इसमें जनरल स्टडीज दी गई है, इसमें जो भी टाइम ड्यूरेशन दिया गया है एग्जाम्स का, जो हिस्ट्री ऑफ राजस्थान आएगी, इंडियन हिस्ट्री आएगी विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट आएगी, ठीक है, करंट अफेयर्स आएगी, जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी को, ज्योग्राफी और राजस्थान से रिलेटेड जो भी कंटेंट है वो आएगा, एजुकेशन मैनेजमेंट आएगी, सिनेरियो आएगा राजस्थान का, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 का भी आएगा, नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट आएगा, सीनियर सेकेंडरी लेवल का नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट आएगा, ग्रेजुएशन लेवल का, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का, और साइकोलॉजी, पेडागोगी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल से रिलेटेड, IT से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपके आएंगे। स्कीम एंड सिलेबस ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स फॉर द पोस्ट ऑफ कोच के लिए भी आएगा। तो ये 40-40 मार्क्स के शैल बी अवार्डेड फॉर पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स, 40 मार्क्स आपके लगेंगे इफ़ यू आर पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स। तो नॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स की, अगर आपके पास फिजिकल नॉलेज है तो वो आपको पेपर होगा, स्पोर्ट्स साइंसेज का पेपर होगा, स्पोर्ट्स जनरल थ्योरी एंड मेथड ऑफ ट्रेनिंग GTMT का पेपर होगा, स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ गेम्स, स्पोर्ट्स एंड इट्स करंट अफेयर्स के बारे में होना पता होना चाहिए। तो ये आपके मार्क्स लगेंगे, पार्टिसिपेशन एंड इंटरनेशनल लेवल विनर के 40 मार्क्स, सेकंड पोजीशन के 36 मार्क्स, उसके बाद थर्ड पोजीशन 32 मार्क्स, पार्टिसिपेशन एट नेशनल लेवल के 28, फिर 24, ऐसे घटते घटते ये आ जाएंगे 4 मार्क्स पे। पार्टिसिपेशन एट डिस्ट्रिक्ट लेवल के मिनिमम 4 मार्क्स भी लगेंगे। तो ये बताया गया है आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट होना चाहिए, सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट से, संस्कृत एजुकेशन से, विद्यालय सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट लेवल पे आपका इंटर जो यूनिवर्सिटी होता है टूर्नामेंट, जोनल लेवल, नेशनल लेवल वो आ जाएगा। स्कीम एंड सिलेबस ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जाम फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर ऑफ फिजिकल एजुकेशन,
तो ये फिजिकल एजुकेशन लेक्चरर के लिए है कि ये 460 मार्क्स का होगा, 40 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन 200 मार्क्स कैरिंग, मैक्सिमम मार्क्स 200 होंगे और टाइमिंग होगा 2 घंटे, और 100 क्वेश्चन 100 मल्टीपल चॉइस होंगे। करंट अफेयर्स, राजस्थान वर्ल्ड, इंडिया जीके, ये सब आएगा आपका। फिर पेपर टू आएगा 260 मार्क्स का, उसका टाइम ड्यूरेशन वही रहेगा, क्वेश्चन विल बी कैरी 130 क्वेश्चन और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। स्पोर्ट्स रिलेटेड आपको मेथड्स, थ्योरी ऑफ ट्रेनिंग एंड डिसीजन, साइंस और बेसिक फिजिकल एनाटोमी आएगी, फंक्शन हेल्थ रिलेटेड आएगा, एंटरटेनमेंट कैंप एंड योगा के बारे में आएगा। फिर आपके मार्क्स लगेंगे इंटरनेशनल लेवल, नेशनल लेवल, तो इसका अलग अलग हैं 40 मार्क्स, और सेकंड पोजिशन नेशनल में 36, 32 और 24 और 20, 16 और 12 और 8 और 4 मार्क्स पार्टिसिपेशन है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लगेंगे। तो ये एक छोटी सी अपडेट थी जो मैं आप सबको शेयर करना चाह रहा था, तो आप एक बार साइट पर जाके इसको चेक कर लें अच्छे से, इसके बारे में ओवरव्यू जान लें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।